आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार, आप टीडी न्यूज पर बिहार नीति देख रहे हैं। आज की इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव जारी करेंगे बिहार सरकार की मार्कशीट। नीतीश कुमार ने कही यह है दिलचस्प बात। दरअसल संपूर्ण क्रांति दिवस के मौके पर बिहार में गरमाई सियासत गांधी मैदान के पास स्थित बापू सभागार में तेजस्वी यादव आज जारी करेंगे बिहार सरकार का रिपोर्ट। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन खास है। राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी राजद आज संपूर्ण क्रांति दिवस मना रही है। इस कार्यक्रम का आयोजक यूं तो महागठबंधन को बताया गया है, इसमें राजद के अलावा वाम दलों की भागीदारी होने की उम्मीद है। अब तक राजद के साथ रही कांग्रेस इस कार्यक्रम में नजर नहीं आएगी। राजद ने कांग्रेस को या कांग्रेस ने राजद को छोड़ दिया, इसके बारे में दोनों दलों ने नेताओं के अपने अपने अलग अलग दावे हैं। बहरहाल आज के कार्यक्रम में महागठबंधन की ओर से रविवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राज्य सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। इस पूरे आयोजन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिलचस्प प्रतिक्रिया दी है। राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने बताया कि कार्यक्रम में राजद प्रमुख लालू प्रसाद भी शिरकत कर सकते हैं। डॉक्टरों ने अगर सलाह नहीं दी तो उनके भाषण की रिकॉर्डिंग सुनाई जाएगी। वहीं राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने बताया कि कार्यक्रम का आयोजन गांधी मैदान के पास बापू सभागार में दोपहर 12 बजे से किया जाएगा। इसमें राजद प्रमुख लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, भाकपा के डी राजा, माकपा के सीताराम येचुरी एवं भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य समेत अन्य कई नेता मौजूद रहेंगे। रिपोर्ट कार्ड में राज्य सरकार के कामकाज का हिसाब रहेगा, रोजगार पर ज्यादा जोर रहेगा। तेजस्वी यादव के आयोजन के बारे में मीडिया से बात करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वे इन चीजों की परवाह नहीं करते। उन्होंने कहा कि मीडिया वाले ही तो ऐसे लोगों को प्रचार दिलाते हैं। उन्होंने कहा कि जब से वे बिहार के मुख्यमंत्री बने लगातार काम ही तो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले क्या हालत थी और अब कितना सुधार हुआ है यह मीडिया वाले बताएंगे, तभी तो लोग जानेंगे।